हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम राठौर और आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों, कूलर मोटर में कैसे टेस्ट करें कि सापट या बुश खराब हैं या सही हैं। तो यह एक कूलर मोटर है जिसे कि मैं घुमा के देख रहा हूं, तो यह देखिए दोस्तों घूम नहीं रही है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पिले है, इसमें चाल आ गई है। तो यह इसका कैपेसिटर है जो कि 4 MFD का रहता है। तो कूलर मोटर को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह इसकी मोटर है, यह इसका कैपेसिटर है और यह इसके दोनों कवर हैं और यह इसकी सापट है। तो यह देखिए दोस्तों, इस सापट पर घूमते घूमते इसमें चाल आ जाती है, यह कट भी जाती है और इसी के साथ इसके बुश भी कट जाते हैं, जिसमें कि चाल आ जाती है, प्ले हो जाते हैं। इसके बुश का नंबर 198 होता है, जो कि दो प्रकार के आते हैं, एक पीतल में आता है और एक लोहे में आता है, जिसे हम बीड भी बोलते हैं। तो कूलर की साफ्ट को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों, कि इसकी सापट पर जब हम अपनी उंगलियों को घुमाते हैं तो उसमें हमें महसूस होने लगता है कि साफ्ट कट गई है। तो आगे वाले कवर में आप देखिए दोस्तों कि बुश और कवर कितनी मजबूती से पकड़े हुए है, घूम नहीं रहा है। बुश और साफ्ट चिपकने का कारण आयल की कमी होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आयल बिल्कुल भी सूख गया है। इस कवर में भी ऑयल पूरी तरह से सूख गया है, जिसके कारण बुश और साफ्ट दोनों खराब हो गए हैं। यह आगे तरफ की सापट है जो कि पूरी तरह से कट गई है। इसकी जो पॉलिश है वह निकल गई है। दोनों तरफ यही स्थिति है। तो जब हम सापट को बुश में डालकर देखते हैं तो यह देखिए दोस्तों, इसमें कितनी चाल है। यह चलते समय हबिंग की आवाज़ करता है, घूमता नहीं है। तो अब हम इस कूलर मोटर के बुश और साफ्ट चेंज करेंगे। यदि आपने बुश और साफ्ट चेंज करना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर कूलर मोटर प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देखें। तो वीडियो इतनी ही थी दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।